से लड़ेगा, ये प्रेम शुक्ला जी की पार्टी तय कर रही है, मतलब मोदी जी तय कर रहे हैं। अरे भाई दिल्ली से बम्बई से मेयर काउंसलर के चुनाव सब जगह, ये क्या बार फिर बीच में आपने बोला मेरे भाई, आप जहाँ जहाँ जाके लड़ते हो क्या करते हो, किस लिए लड़ रहे हो, ये इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसके लिए लड़ते हो क्या करते हो। प्रेम शुक्ला जी जवाब जो बताते रहो, लोगों को विश्वास है, लोगों को तो अखिलेश जी ही नहीं अखिलेश प्रताप से भाजपा के लोग ही बता चुके हैं, साक्षी महाराज कैमरे पे बता चुके हैं, दर्जनों भाजपा के नेता बता चुके हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। साक्षी जी पर आपकी साक्षी जी की बातों पर आपका भरोसा काबिले तारीफ है, साक्षी जी पर आपका जो भरोसा काबिले तारीफ है। साक्षी महाराज ने कहा अखिलेश जी दो बड़े सवाल, सवाल नंबर एक, अब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, अगर एक शायर भी जिसकी शायरी और जिसकी धमक रही है वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा शहर नहीं राज्य अगर योगी जीत जाते हैं, क्या कहता है आपके बारे में, और जो आपका रिश्ता है वारिस पठान साहब से वो भी समझा दीजिएगा, अब तो वो भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात आपको ध्यान होगा कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो 2014 के पहले एक कर्नाटक के बड़े साहित्यकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं भारत छोड़ दूंगा, तो भारत छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, इस तरह की बातें जो वामी कामी साहित्यकार हैं वो लगातार करते रहे, कम्युनिस्ट कौमी से मतलब जो है कम्युनिस्ट है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब, और जिन मनोहर रावणा जी की बात हो रही है, मनोहर रावणा जी ने सोनिया जी की शान में बहुत सारे शेर लिखे थे, तो वो उस समय सोनियावादी हुआ करते थे, आजकल उनकी उनका परिवार समाजवादी हुआ पड़ा है, तो उनके अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं और राजनीतिक उनको लगातार समर्थन प्राप्त समर्थन और संरक्षण प्राप्त होता रहा है, तो ऐसे राजनीतिक समर्थन संरक्षण प्राप्त करने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार भी असहिष्णुता का हंगामा करके लौटाए थे 2015 में, आपको ध्यान ही होगा, तो वो उनका अपना अधिकार है, वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो बंगाल में जाकर रहना चाहते हैं जहां पे बंगाल का हाईकोर्ट बाकायदा संज्ञान लेके बताता है और NHRC की रिपोर्ट है कि वहां पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिजनों पर बलात्कार, उनकी हत्या, उनके घरों को फूंक देने का अपराध हुआ। इस सवाल को एक लेवल और ले जाइए, एक सेकंड शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, मनोहर राणा को अधिक आनंद प्राप्त, हर किसी को इंटॉलरेंस ज्ञान का हिस्सा बताकर एक सेकंड कितना बच पाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनका ये आरोप है कि उनको, मैं तो गैंग नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं धन्यवाद, उनका उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो अपनी जान तक को खतरा बता दिया, आपने सुना ही होगा पूरी बातचीत में, वो पिछली बार भी कह रहे थे, उनका कहना है कि आखिर रात के अंधेरे में क्यों उनके घर पे उनके जब बेटे के साथ कुछ हुआ तो पुलिस पहुंची, जो कि दिन में किया जा सकता था, क्या जो लोग आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको आप टारगेट करते हैं, वॉइस ऑफ डिसेंट यानी मतभेद की आवाजों को कुचलती आपकी सरकार, प्रश्न बड़ा है मिस्टर शुक्ला। अंजना जी बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि तफसील में इसका उत्तर सुनेंगी आप। उनके ऊपर रेड क्यों हुई, क्योंकि उनके भाई ने ही उनके बेटे द्वारा फर्जी गोली चलवाकर हत्या के प्रयास के आरोप में फंसाने का प्रयास किया था, ये तो सबके सामने है। और आप कृपा करके बता दीजिए किस अपराधी के परिजन ने अपने जो है अभियुक्त को अभियुक्त माना है, दाऊद इब्राहिम की माँ का मैंने 1994 में इंटरव्यू किया था पत्रकारत्व के नाते, तो उसने कहा मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उसका बमकांड से कोई लेन देन नहीं है। मेमन परिवार कहता रहा मेरा बेटा बहुत शरीफ है, अपराधी हो ही नहीं सकता।